जिस दिन हड्डियों से पहली बार आवाज आएगी ना, ये 35-40 के बाद शुरू होता है कार्यक्रम, जिस दिन पहली बार उठते हुए घुटने में दर्द होगा, चटक से आवाज आएगी घुटने में, जिस दिन दिखना कम होने लगेगा 40 होते ही, फिर आप देखेंगे अरे पास कभी नहीं दिख रहा, फिर आप यूं करके देख रहे हैं, फिर बाईफोकल चश्मा लगाएंगे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दीक्षित की तरह, वो भी लगाता था बाईफोकल चश्मा। अभी तो आपको लग रहा है कि आप इमोर्टल हैं, अमरणशील हैं, इस उम्र में ऐसा लगता आ रहा है इतनी ऊर्जा दुनिया का इतिहास बदल देंगे, ये 15-20 साल की बात है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आप भी उतने ही क्षणभंगुर हैं, उतने ही कमजोर हैं जितना हर कोई होता है। फिर 40 के बाद एक टेम्परामेंट बनता है कि लाइफ एंड्स एट 40, दूसरा टेम्परामेंट आजकल जो कंज्यूमरिस्ट नेशंस में वो है लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर 40, क्योंकि 40 तक जिम्मेदारियां पूरी हो गई, आप सोचते हैं कि अब अपनी जिंदगी जी लेते हैं, चुनु मुन्नू बड़े हो गए अब अपनी जिंदगी जी लेते हैं, और इसलिए कुछ नॉटी 40s भी कहते हैं कि 40s में व्यक्ति नॉटी हो जाता है, शरारती हो जाता है, क्योंकि बुझने से पहले लोग भभक के जलती है एक बार। कुछ वैसा समझ लीजिए, एक बार उसको लगता है कि अब तो सब खत्म ही होने वाला है, तो एक बार थोड़ी शरारतें कर लेते हैं, तो ये भी टेम्परामेंट रहता है। फिर 50s 60s में तो आप जिनका मजाक उड़ाते थे उनके बच्चे आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं, आप सड़क पर चल रहे हैं पत्थर मार के भाग जाता है और बच्चे चुप हो जाते हैं कि दादाजी गुजर जाए उसके बाद बात करेंगे, या दादी माँ गुजर जाए उसके बाद बात करेंगे। तो ये है, फिर धीरे धीरे हम लोग मरने की तैयारी में आते हैं, उस दौर में पारलौकिक होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं।